नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग के फंडे में। दोस्तों, 68,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं, तो जिन जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना हो वो अपना रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कैसे कम्प्लीट करें। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो यह जो पूरा फॉर्म है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको फ़ीस जमा करनी होगी और उसके बाद आपको अपना पूरा फॉर्म प्रिंट आउट करना होगा। तो इसके लिए आपको पूरे 3 दिन लग सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो चलिए देखते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद वहाँ पर यहाँ सर्च बॉक्स में वेबसाइट टाइप करनी है, upbasiceducationboard.gov.in। तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018। यहाँ पर देखिए स्टेप वन में लिखा हुआ ऑनलाइन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। तो भैया, इनको ज़रूर पढ़ लेना आप। इस जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये नई विंडो खुलकर आएगी। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको आप एक एक करके पढ़ लें, उसके बाद ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। फिर देखिए स्टेप टू में दे रखा है आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करें। अंतिम तिथि है 5 फरवरी 2018 6 बजे तक। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस वाले पॉइंट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये नया फॉर्म खुलकर आएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ भी है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। तो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आवेदन प्रणाली रजिस्ट्रेशन पत्र। तो यहाँ देखिए पूछ रहा है आवेदित जनपद का नाम। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आपको वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद पूछ रहा है अभ्यर्थी या अभ्यर्थिनी का नाम। तो यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, जैसा कि हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखा हुआ आपका। उसके बाद पूछ रहा है माता का नाम, तो यहाँ पर आपको अपनी माता जी का नाम डालना है। उसके बाद पिताजी का नाम। दोस्तों, फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से भरिएगा, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। उसके बाद देखिए पूछ रहा है ग्रह जनपद का नाम व पता थाना तथा पिन कोड सहित। तो यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस पूरा मोहल्ला या गांव के नाम सहित और उस एरिया का थाना तथा पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट पूरा पता आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, यानी पत्र व्यवहार का जो पूरा पता है थाना तथा पिन कोड सहित, यानी आपको अपने एरिया का थाना भी इसमें एंटर करना है कि कौन सा थाना आपका लगता है, और अपने सिटी का पिन कोड भी आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद पूछ रहा है टेलीफोन नंबर यदि हो एसटीडी कोड सहित। अगर आपके घर में लैंडलाइन फ़ोन है तो आप यहाँ पर वो नंबर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर पूछ रहा है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी है। उसके बाद पूछ रहा है विवाहित महिला अभ्यर्थिनी के पति का नाम। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं अगर उनकी शादी हो गई तो वो अपनी पति का नाम यहाँ पर डाल सकती हैं। उसके पूछ रहा है जन्मतिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार। तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके हाई स्कूल के अंक पत्र में लिखी हुई है भाई यहाँ पर डालनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है मेल या फीमेल। फिर उसके बाद वर्ग, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी जनरल एससी एसटी ओबीसी जो कुछ भी हो वो आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद पूछ रहा है विकलांग हैं अगर इस बारे दायरे में आते हैं तो यहाँ पर टिक कर देंगे, वरना इसको ऐसे छोड़ देंगे। फिर पूछ रहा है विशेष आरक्षण, अगर आप फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट या एक्स आर्मी सर्विसमैन है तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, वरना इसको ऐसे रहने देंगे। फिर पूछ रहा है विषय वर्ग, तो आपका विषय साइंस है या आर्ट है तो उस हिसाब से आप अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है प्राप्त की गई योग्यता, तो यहाँ से आप अपनी योग्यता जो भी आपने BTC DLED जो कुछ भी किया हो यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके पूछ रहा है प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने का बोर्ड। तो यहाँ पर आपने अगर प्राइमरी UPTET पास की है या प्राइमरी CTET पास की है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। फिर देखिए नीचे आएंगे, नीचे देखिए यहाँ पर सारी डिटेल आपको भरनी है, ये हाई स्कूल बोर्ड का नाम, उसके बाद किस वर्ष हाई स्कूल पास किया, उसके बाद हाई स्कूल का रोल नंबर, फिर प्रमाण पत्र क्रमांक यानी सर्टिफिकेट नंबर,
उसके बाद अंक पत्र क्रमांक यानी आपकी मार्कशीट पे जो नंबर लिखा हो वो आपको डालना है, उसके बाद पूर्णांक, उसके बाद आपने कितने नंबर हाईस्कूल में प्राप्त किए हैं वो यहाँ पे डालने हैं। फिर यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट का बोर्ड डालना है, फिर इंटरमीडिएट किस वर्ष पास किया है उसके बाद इंटरमीडिएट का रोल नंबर, फिर यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है इंटरमीडिएट का, फिर यहाँ पर आपको अंक पत्र क्रमांक यानी कि आपकी मार्कशीट नंबर यहाँ पर पूछ रहा है वो डालना है आपको, उसके बाद पूर्णांक इंटरमीडिएट का पूर्णांक डालना है, फिर आपने इंटरमीडिएट में कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर डालना है। फिर पूछ रहा है स्नातक, तो यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, उसके बाद किस वर्ष आपने ग्रेजुएशन पास किया वो वाला वर्ष डालना है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का अंतिम वर्ष का रोल नंबर डालना है, और उसके बाद पूछ रहा है प्रमाण पत्र क्रमांक, तो अगर आपका डिग्री ग्रेजुएशन डिग्री मिल गई है तो यहाँ पर उसका नंबर डाल देंगे, अगर नहीं मिले तो यहाँ पर NA लिख देंगे नॉट अलाउड। उसके बाद पूछ रहा है अंक पत्र क्रमांक, तो आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट पर जो नंबर लिखा हो भाई आपको डालना है, उसके बाद पूर्णांक कितने कितने पूर्णांक ग्रेजुएशन था, उसके बाद यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन में कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर डालना है। फिर पूछ रहा है प्राप्त की गई योग्यता, DL BL 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा सत्र में स्नातक, तो जो कोई भी आपने योग्यता चुनी हो वो यहाँ पर पूरा डाल देंगे, थ्योरी प्रैक्टिकल सारे नंबर आपको डाल देंगे यहाँ पर, टी का मतलब थ्योरी, थ्योरी में कितने नंबर थ्योरी थी और कितने नंबर आपने थ्योरी में प्राप्त किए, और पी का मतलब प्रैक्टिकल, तो आप कितने नंबर का प्रैक्टिकल था और यहाँ पर कितने नंबर आपको प्रैक्टिकल में प्राप्त हुए हैं। फिर देखिए नीचे पूछ रहा है शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET प्राथमिक स्तर की UPTET उत्तीर्ण होने का विवरण, पूछ रहा है शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम जो भी आपकी TET की मार्कशीट पर ऊपर लिखा हुआ है वह यहाँ पर डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है उत्तीर्ण होने का वर्ष यानी किस वर्ष आपने UPTET पास की है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अंक पत्र पूछ रहा है रोल नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना UPTET का रोल नंबर डालना है। फिर पूछ रहा है प्रमाण पत्र क्रमांक, अगर प्रमाण पत्र क्रमांक है तो यहाँ पर डाल देंगे, नहीं है तो नॉट अलाउड लिख देंगे NA भाई आप यहाँ पर अंक पत्र क्रमांक में करेंगे, उसके बाद पूर्णांक TET कितने नंबर का था और यहाँ पर आपने UPTET में कितने नंबर प्राप्त किए। देख नीचे कह भी रहा है यदि आवेदक के पास अंक पत्र या प्रमाण पत्र क्रमांक नहीं है तो आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंक पत्र या प्रमाण पत्र क्रमांक के स्थान पर NA भरें, टी का मतलब थ्योरी हो गया और पी का मतलब प्रैक्टिकल, फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, फिर पूछ रहा है अपनी फ़ोटो अपलोड करें, तो यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है जिसका साइज मैक्सिमम 20 KB का होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना। नीचे तक आप पूरा फॉर्म चेक कर लेंगे, फॉर्म चेक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ टिक करें, तो यहाँ पर टिक कर देंगे, उसके बाद ये वाला जो कोड है वो इस वाले बॉक्स में एंटर करें। सारी डिटेल भरने के बाद आप ऊपर से नीचे तक पूरा फॉर्म चेक करेंगे, उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे ऊपर एक वार्निंग मैसेज आएगा ओके, तो इस ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, जिसका प्रिंट आउट आप यहां देखिए लिखा हुआ प्रिंट निकालें, तो इस पर क्लिक करके अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फ़ी जमा करनी होगी, जो कि आप रजिस्ट्रेशन करने के 24 घंटे बाद जमा कर सकते हैं। देखिए ऊपर लिखा भी है आवेदन फीस भुगतान की प्रक्रिया, भुगतान केवल रजिस्ट्रेशन होने के अगले कार्य दिवस को या उसके बाद किया जा सकता है, भुगतान केवल 8 बजे से प्रातः से 8 बजे रात तक ही किया जाएगा, यानी कि प्रातः 8 बजे से रात 8 बजे सभी दिन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप 24 घंटे बाद दोबारा वेबसाइट पर जाएंगे, और वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ स्टेप 3 ई चालान प्रिंट करने एवं आवेदन शुल्क जमा करने हेतु बैंक SBI की वेबसाइट का लिंक, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नई विंडो खुल कर आएगी, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ऊपर पे फीस, तो इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये SBI की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस बॉक्स में टिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, तो एक नई विंडो खुलकर आई, देखिए लिखा हुआ है सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, तो यहाँ से आप ये वाली कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट, तो इस पर क्लिक करेंगे और नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ डिटेल भरने को आएंगे, वहाँ पर आप अपनी डिटेल भर देंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे, जहाँ से आप डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग आदि से पेमेंट जमा कर सकते हैं। फी जमा करने के
24 घंटे बाद आप दोबारा वेबसाइट पर जाएंगे और देखिए नीचे लिखा हुआ स्टेप फोर, अपना भरा हुआ आवेदन पत्र प्रिंट करें। तो इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये वाली विंडो खुल कर आएगी जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उसके बाद बैंक से प्राप्त ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर वो डाल देनी है और ये नीचे वाला जो कोड दिया हुआ वो इस वाले बॉक्स में एंटर करना है। उसके बाद लिखा हुआ आगे बढ़ें प्रोसीड, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा जहाँ से आप प्रिंटआउट लेकर रख सकते हैं। तो देखिए जैसा कि नोटिफिकेशन में भी दे रखा है, आवेदन शुल्क जमा करने के अगले बैंक कार्य दिवस के पश्चात वेबसाइट पर दिए गए स्टेप फोर का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर किए गए आवेदन का प्रिंटआउट लेंगे। तो यानी कि आपको फ़ी जमा करने के 24 घंटे बाद दोबारा वेबसाइट पर जाना है और जो प्रोसेस बताया है वैसे ही आपको अपना आवेदन पत्र प्रिंट कर लेना है। तो इस फॉर्म को पूरे आपको 3 दिन लग सकते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उस घंटी को भी दबा दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।